नाउ नेक्स्ट सेशन में जस्ट डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन इक्वल्स मेथड, इक्वल्स इग्नोर केस मेथड एंड इक्वल इक्वल ऑपरेटर्स इन जावा रिगार्डिंग स्ट्रिंग्स। जनरली स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए जावा ने टोटल आपके पास थ्री अप्रोच प्रोवाइड किए हैं। मीन्स टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को आप इक्वल्स मेथड के थ्रू भी कंपेयर कर सकते हो, इक्वल्स इग्नोर केस मेथड के थ्रू भी कंपेयर करना पॉसिबल और इक्वल इक्वल ऑपरेटर्स के थ्रू भी कंपेयर करना पॉसिबल है। जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था इन केस ऑफ स्ट्रिंग्स, जब भी आप इक्वल इक्वल ऑपरेटर्स के थ्रू टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करोगे, इस केस में कंपेरिजन किसका परफॉर्म हुआ था, एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एड्रेसेस। अगर किसी पर्टिकुलर कंपेरिजन में अगर आपको एड्रेसेस को कंपेयर करना है, देन एड्रेसेस को कंपेयर करने के लिए यूज क्या करेंगे, इक्वल इक्वल ऑपरेटर। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट्स के कंटेंट्स कंपेयर कराना, कंटेंट्स को कंपेयर करने के लिए ऑलवेज यूज करेंगे इक्वल्स मेथड। लेकिन इक्वल्स मेथड हमेशा कंपेरिजन किस मेथड में परफॉर्म करता है, इन द फॉर्म ऑफ केस सेंसिटिव मैनर। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट स्ट्रिंग मैंने प्रोवाइड किया समथिंग ए बी सी डॉट, प्लस मैंने टारगेट स्ट्रिंग प्रोवाइड किया ऑल्सो ए बी सी, लेकिन इस केस में बी और सी किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल लेटर्स, तो इस केस में रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। क्यों, इस केस में कैरेक्टर्स के साथ साथ इसके केस भी कंपेयर होंगे। फर्स्ट केस में ए की बात करें तो ए दोनों केस में कैसा है, कैपिटल, प्लस कंपेरिजन परफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ विद रिस्पेक्ट टू आस्की वैल्यूज और यूनिकोड वैल्यूज। सेकंड केस में बी कैसा है, अपर केस, लेकिन इस केस में बी कैसा है, स्मॉल केस, इसलिए इस केस में क्या आएगा, फॉल्स। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर केस में स्ट्रिंग के कंटेंट्स के साथ साथ अगर आप चाहते हो इसके केस कंपेयर नहीं करना, मीन इसे केस इनसेंसिटिव मैनर में अगर कंपेरिजन परफॉर्म कराना, देन यूज करेंगे इक्वल्स इग्नोर केस मेथड, इक्वल्स इग्नोर केस मेथड। फाइनली स्ट्रिंग को कंपेयर करने की टोटल अप्रोच कितने आपका दे रहा, थ्री वे। फर्स्ट वन यूजिंग इक्वल्स मेथड, दिस मेथड विल कंपेयर स्टेट और कंटेंट्स ऑफ टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स इन केस सेंसिटिव मैनर्स। मीन्स इस केस में कंपेरिजन किस फॉर्म में परफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ केस सेंसिटिव, प्लस इस केस में कंपेरिजन किस कर रहा, वैल्यू और एड्रेस वैल्यूज। सिमिलरली इन केस ऑफ इक्वल्स इग्नोर केस मेथड, इक्वल्स इग्नोर केस मेथड के केस में कंपेरिजन किसका हो रहा है, वैल्यू और एड्रेसेस, वैल्यू और वी कैन से कंटेंट्स। ठीक है, इस केस में कंपेरिजन कैसा, केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव, केस इनसेंसिटिव। मीन्स बिगिनिंग टू मेथड, इन दोनों ही मेथड के केस में कंपेरिजन किसका हो रहा है, कंटेंट्स का। लेकिन अगर आप इक्वल इक्वल ऑपरेटर को कॉन्सेंट्रेट करो, इस केस में कंपेरिजन किसका हुआ, कंटेंट्स और एड्रेसेस, एड्रेस ऑफ टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। इन तीनों ही मेथड के इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए जस्ट प्रोवाइड किया गिवन एग्जांपल्स। मींस इन मेथड, इन इस एग्जांपल के हेल्प से तीनों ही अप्रोचेस का बिहेवियर आपके लिए क्लियरली समझना पॉसिबल। फर्स्ट वन, फर्स्ट केस में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यूजिंग डबल कोट, सेकंड केस में क्रिएट किया यूजिंग न्यू कीवर्ड। फर्स्ट केस में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल मेमोरी, सेकंड केस में ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इनसाइड हीप एरिया, प्लस थर्ड केस में ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल। डायग्राम जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं सारे के सारे लोकल वेरिएबल्स क्रिएट करें इनसाइड स्टैक एरिया, दिस इज द स्टैक, प्लस इस सेशन को कंसीडर करेंगे एज अ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल, प्लस नेक्स्ट पार्ट इज हीप एरिया। क्लियर, फर्स्ट केस जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल इस प्रोग्राम के अंदर एंटर होगा, सबसे पहले परफॉर्म किया होगा मेमोरी एलोकेशन फॉर लोकल वेरिएबल ऑफ द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर टोटल थ्री लोकल वेरिएबल अवेलेबल हैं, स्ट्रिंग टाइप ऑफ रेफरेंस S1, S2 एंड S3। एंड फर्स्ट केस में S1 को इनिशियलाइज किया हुआ यूजिंग ABC, प्लस ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे हुआ यूजिंग डबल कोट्स। डबल कोट्स के केस में पहले एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट सर्च होगा इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल, अगर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट फाउंड नहीं हो रहा था इस केस में क्रिएट होगा जस्ट न्यू ऑब्जेक्ट, प्लस ये सो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कंटेंट्स इनिशियलाइज जाएंगे एज ABC इन द फॉर्म ऑफ अपर केस, एड्रेस समथिंग 100। फाइनली इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का बेस एड्रेस विच इज 100, 100 असाइन होगा इनसाइड रेफरेंस वेरिएबल S1। क्लियर, नेक्स्ट S1 रेफरेंस इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा। सेम एज इन सेकंड केस, सेकंड केस में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यूजिंग न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड के केस में ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इनसाइड हीप एरिया, प्लस अगेन इस केस में कंटेंट असाइन हो रहा है एज ABC, एड्रेस समथिंग 200, देन 200 कॉपी किस में हो जाएगा इनसाइड S2। सिमिलरली S3 के केस में अगेन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में कोई भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट फाउंड नहीं हो रहा फॉर
lower cases. Then 300 assign case mora in the form of S3. Then इस केस में टेस्ट करेंगे बिहेवियर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट केसेस प्लस जो भी आउटपुट आएगा मैं आउटपुट सेपरेटली डिस्प्ले कराऊंगा इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट वाइज मॉनिटर. मींस आपके लिए मोस्ट इंटरेस्टिंग केस क्या है गिवन प्रिंटलन मेथड. फर्स्ट वन कंपैरिजन परफॉर्म करा बाय यूजिंग इक्वल इक्वल ऑपरेटर. कंपैरिजन किसका हो रहा है S1 और S2. S1 ने किसको पॉइंट करा ABC को. S2 भी किसको पॉइंट करा ABC. दोनों केस में अगर दोनों ऑब्जेक्ट के स्टेट की बात करें तो स्टेट कैसे सेम और डिफरेंट. स्टेट सेम है लेकिन इनकी आइडेंटिटी और एड्रेस कैसे हैं डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस. इक्वल इक्वल के केस में कंपेरिजन किसका वो एड्रेसेस का एस वन के प्लेस पर रिप्लेस हो जाएगा एस वन का वैल्यू और एस वन में कैश हो रहा है करंटली 100. एस टू के प्लेस पर रिप्लेस हो जाएगा एस टू का वैल्यू क्या 200. तो दोनों केस में एड्रेस कैसे हैं सेम और डिफरेंट डिफरेंट. फाइनली इसका रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स. फर्स्ट केस में प्रिंट होगा मैसेज एज फॉल्स. जैसा कि मैंने मेंशन किया था ऑलरेडी इक्वल इक्वल के केस में कंपेरिजन किसका हो रहा है एड्रेसेस ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. चेक कर सकते हो 100 और 200 ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या है एड्रेसेस. नेक्स्ट वन इक्वल्स मेथड. इक्वल्स मेथड के थ्रू कंपेरिजन किसका हो रहा है कंटेंट्स का इन द फॉर्म ऑफ केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव. केस सेंसिटिव मीन्स इस केस में कैरेक्टर के साथ साथ आप केस भी मैच करोगे. S1 के स्ट्रिंग को होल्ड कर रहा है. S1 के केस में देखा जाए तो अवेलेबल क्या है 100 लेकिन S1 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या है ABC इन द फॉर्म ऑफ अपर केस इक्वल्स प्लस S2 जिस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका स्टेट क्या है ऑल्सो ABC लेकिन इस केस में ABC कैसा है अपर केस और लोअर केस इन द फॉर्म ऑफ लोअर केस सॉरी S2 के केस में क्या है इन केस ऑफ S2 S2 जिस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर इसके अंदर भी क्या अगेन ABC प्लस ABC किस फॉर्मेट में अपर केस फॉर्मेट. तो दैट मींस इस केस में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की स्टेट भी कैसे सेम स्टेट केस भी कैसे सेम केस इसलिए क्या मिलेगा इस केस में रिजल्ट एज ट्रू. तो सेकेंड केस में डिस्प्ले हो जाएगा मैसेज एज ट्रू. नेक्स्ट वन थर्ड प्रिंटलन. थर्ड प्रिंटलन के केस में अगेन कंपेरिजन करा है S1 और S3. S1 जिस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है उस केस में S1 के केस में क्या स्टोर है ABC और S2 के केस में सॉरी S3 के केस में भी क्या है ऑल्सो ABC लेकिन S3 के केस में ABC कैसा है इन लोअर केस. मीन्स इस केस में S1 में क्या स्टोर है ABC इन द फॉर्म ऑफ अपर केस और S3 के केस में ABC किस फॉर्मेट है लोअर केस फॉर्मेट. मीन्स इस केस में रिजल्ट क्या आएगा ट्रू और फॉल्स. फॉल्स बिकॉज इस केस में दोनों स्ट्रिंग के केस कैसे हैं डिफरेंट. क्लियर. मीन्स इक्वल्स मेथड के थ्रू जब भी कंपेरिजन परफॉर्म तो कंपेरिजन कैसा हो केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव. केस सेंसिटिव इसका मीनिंग क्या हुआ इसके मीन्स स्ट्रिंग के कैरेक्टर या कंटेंट्स मैच होने के साथ साथ कैरेक्टर्स के केस भी मैच होंगे. नेक्स्ट वन एस वन डॉट इक्वल्स इग्नोर केस. इक्वल्स इग्नोर केस के केस में भी अगेन कंपेरिजन किसका हुआ कंटेंट ऑफ टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लेकिन इस केस में कंपेरिजन कैसा केस इनसेंसिटिव. मीन्स इस केस में केस को इग्नोर करोगे ओनली कैरेक्टर्स को कॉन्सेंट्रेट करेंगे. तो फाइनली S1 के केस में कैरेक्टर्स क्या स्टोर हैं S1 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करा करंटली इसमें स्ट्रिंग में कंटेंट्स क्या फाउंड हो रहे हैं ABC इन द फॉर्म ऑफ अपर केस प्लस S3 के केस में बात करें S3 जिस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है S3 के केस में कंटेंट्स क्या है ऑल्सो ABC बट इन द फॉर्म ऑफ लोअर केस लेकिन इस केस में केस को इग्नोर करके कंपेरिजन परफॉर्म हुआ दोनों के केस कैसे हैं डिफरेंट लेकिन कंटेंट्स कैसे हैं सेम इसलिए रिजल्ट क्या आएगा इस केस में ट्रू. जब भी आपको स्ट्रिंग के कंटेंट्स कंपेयर करना है लेकिन कंटेंट्स के केस मैच करना चाहते हो केस भी मैच कराना देन यूज करें इक्वल्स मेथड. अगर केस को इग्नोर कराना देन यूज करोगे इक्वल्स इग्नोर केस मेथड. सेम स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में अगर एड्रेसेस को कंपेयर करना यूज क्या करेंगे इक्वल इक्वल ऑपरेटर्स.